वेलकम टू माय चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्तक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में हम लोग एसीएफ भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर जो गुणनखंड है दोनों का, जो कॉमन है दो संख्या का और सबसे जो बड़ी होती है वही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखेंगे, जैसा 8 के फैक्टर। पहले वीडियो में हम लोग देखे थे किस प्रकार हम लोग फैक्टर निकालते हैं। अभी इसमें सबसे इजी मेथड में हम बताएंगे फैक्टर कैसे करके हम लोग निकालेंगे। जैसे 8 के फैक्टर, 8 के फैक्टर मतलब 8 जो संख्या है कौन कौन संख्या से कटेगा, 1, 2, 4 और 8। ये 8 को 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, यही हो गया 8 के फैक्टर। उसके बाद हम लोग 12 के फैक्टर, 12 जो संख्या है वो किन किन संख्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 के कटेगा और 12 से कटेगा, तो यही हो गया 12 का फैक्टर। इसी में हम लोग का देखना है, ये 8 के फैक्टर है 1, 2, 4, 8 और 12 पे जो फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6, 12, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है वो वाला हम लोग को लिखना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर इसमें देखो, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में है, जिसको हम हिंदी में उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में जो है 2, 8 के भी फैक्टर है और 12 के भी फैक्टर है। उसके बाद 4, 8 के भी फैक्टर है, 12 के भी फैक्टर है, मतलब 2 और 4 हो गया दोनों का फैक्टर। इसमें हम लोग को निकाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन वाला है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग शॉर्ट में एचसीएफ भी लिखते हैं, एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4, यही इसको हम लोग मोसो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में मोसो। इसको हम लोग महत्तम समापवर्तक हो गया 8 और 12 का हो गया 4। इस विधि को हम लोग बोलते हैं हिंदी में गुणनखंड विधि या कॉमन फैक्टर मेथड। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का और दो विधि है, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए दूसरे विधि के बारे में जानेंगे। दूसरे विधि जो अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, 24 तो था, 42 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो पहले सबसे पहले हम लोग 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 12 जा 24 2 6 जा 12 2 3 जा 6। उसके बाद 42 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 21 जा 42 3 7 जा 21। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3। उसके बाद 42 के अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 3 × 7। अभी 24 और
42 का HCF दोनों में कॉमन है, 2 × 3 बराबर 6। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हम लोग HCF निकालने के लिए तीसरी विधि के बारे में जानेंगे। तीसरी विधि विभाजन विधि, डिवाइडेड मेथड। इसमें एक हम लोग उदाहरण लेंगे, 15 तथा 20 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें तो 15 और 20 में सबसे बड़ी संख्या है 20, तो 20 को डिवाइडेड करना है 15 से। डिवाइडेड करना है 15 × 15, तो शेष आ गया 5। अभी इस शेष से छोटी संख्या को डिवाइडेड करना है, छोटी संख्या 15, 5 × 3 = 15, तो शेष आ गया 0। तो 15 और 20 का HCF हो गया 5। अभी हम लोग और एक एग्जांपल देखेंगे, 18 तथा 35 का HCF इसी डिवाइडेड मेथड से। तो इसमें बड़ी संख्या कितना है 35, उसको डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, कितना छोटी संख्या से 18, तो क्या होगा 18 × 18, 35 से 18 घटाने से कितना होगा 17। अभी छोटी संख्या कितना है 18, उसको डिवाइड करेंगे 17 से, 17 × 17 कितना हो गया शेष, अभी हो गया 1। फिर 1 से हम लोग डिवाइडेड करेंगे 17 को, 1 × 17 = 17, तो इसका शेष हो गया 0। तो इसमें LCF हो गया 1, लास्ट में शेष आया 0, इसलिए HCF = 1।